विकास महामंडल की तरफ से मुंबई में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्था हे भरारी के सातवीं वार्षिक सर्व साधारण सभा समारोह का आयोजन किया गया। इस सभा समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक प्रसाद लाड और नीता लाड थी। इस समारोह में श्रद्धा जोशी, मिनल ताई मोहाडीकर के साथ साथ अन्य महिला पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। प्रसाद लाड व उनकी पत्नी के अलावा सभी लोगों ने इस संस्था की जमकर तारीफ की। भाजपा विधायक ने कहा कि एक महिला का विकास करने से समाज और देश का विकास होता है। वहीं घे भरारी संस्था की संचालिका स्नेहल भाले राव ने बताया कि किस तरह से घे भरारी संस्था की ओर से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोजगार के प्रशिक्षण एवं आर्थिक मदद दिए जाते हैं। ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, महिला सक्षमीकरण के लिए हमेशा उन्होंने आगे ही जाने की कोशिश की है। सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने महिलाओं के लिए अनेक अनेक माध्यमों से महिला को सक्षम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस अलग अलग माध्यमों से, फिर वो महिला हो, बेरोजगार युवक हो या शेतकरी हो, उसके लिए कोशिश सरकार कर रही है। मैं इस कार्यक्रम में आके सच में घे भरारी के माध्यम से हमारी स्नेहा ताई ने जो काम किया है उसकी सराहना करता हूँ और सारे महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। ऐसे ही अगर वो काम करते रहेंगे तो एक दिन नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के सपनों का महाराष्ट्र देखने के लिए हमें वक्त नहीं लगेगा, यही मुझे कहना है। जानकारी के अनेक माध्यम है, सहकार क्षेत्र में ऐसी कई संस्थाएं काम करती है। मैं मुंबई बैंक का संचालक होने के नाते मैंने महिलाओं को बताया है कि मुंबई बैंक हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण का भी काम करते हैं और मैं इस चीज़ के लिए खुद कटिबद्ध हूँ। अगर अलग अलग माध्यमों से, माविम के माध्यमों से महिला प्रशिक्षण का अगर काम करेंगे तो महीने में चार दिन जहां वो बुलाएंगे वहां मैं खुद आने के लिए तैयार हूं। और मेरे जैसे कई उद्योजक, कई तरुण है या महिलाएं हैं, इसके लिए पुराकार लेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करेंगे। देखो, एक महिला है वो घर को जब इतने अच्छे से तरीके से संभाल लेती है, वही महिला जिनमें मुझे हमेशा लगती है एक ताकत होती है जो घर को सुधार सकती है, बच्चों से लेके पति से लेके, वही महिला अगर बाहर निकले तो वो समाज में ज़रूर मतलब मेरा सुधार कर ही सकती है, उनमें उतनी सक्षमता है। और मेरी ये सारी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वो आगे जाके और सक्सेस हो जाए और हम उनके साथ हमेशा रहे। नहीं तसं तर आम्ही महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत आमच्या घे भरारी CMRC हे बचत गटांसाठी काम करतं। महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या बचत गटांचंच हे फेडरेशन आहे, त्यामुळे दरवर्षी आमची ही AGM अशी होत असते। आणि आज आम्हाला म्हणजे दुधा शर्करा होती की सरांनी स्वतः मला सांगितलं की नाही स्नेहा मला आवडेल की तुमच्या ह्या कार्यक्रमात यायला, आणि सरांनी आज येऊन खरोखर महिलांना खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। जे वर्षभर काम असतं बचत गटाच्या मार्फत माविमच्या अंतर्गत ट्रेनिंग्स देणं, महिलांना बँक लिंकेज करून बँकांचं कर्ज करून देणं, विविध ट्रेनिंगच्या मार्फत महिलांचे ते उद्योग उभारून देणं, हे सगळं काम आम्ही घे भरारीच्या मार्फत करत असतो। आणि त्यात आम्हाला बऱ्यापैकी यश आलेलं आहे की महिला आर्थिक विकास महामंडळाने आम्हाला फूड व्हॅनसाठी लोन उपलब्ध करून दिलं आणि आज आमची ही पहिली व्हॅन आज आमची मुंबईमध्ये आली आहे। आणि आज आमच्या बचत गटातील महिला त्याच्यावर सक्षमरित्या काम करणार आहे, त्या आर्थिक सक्षम होणार आहे, तर त्याचा खरोखर मला फारच आनंद आहे। आणि याची तयारी म्हटलं म्हणजे आमची हे एका कुणाचं काम नाही आहे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ म्हटलं म्हणजेच ते एक मोठं संघटनाचं मोठं वटवृक्ष आहे, त्याच्यातलं हे घे भरारी एक छोटंसं रोपटं म्हणायला हरकत नाही। पण तरीही जेव्हा हे संघटन करायचं महत्त्वाचं काम असतं तेव्हा ही आमची सगळी संपूर्ण टीमचा हा रोल असतो, ज्याच्या सहयोगिनींचा जास्त भाग असतो, ज्या कोऑर्डिनेटर असतात विभागात जाऊन बचत गटांशी ॲक्च्युअली त्यांचा संवाद असतो, त्या पद्धतीने सर्वांनी ती तयारी केली आणि काम सक्सेस पहिलं ओपनिंग आज झालेलं आहे। आणि याच्यातूनच आम्हालाही थोडासा अनुभव येईल की दोन आम्ही पहिल्या एका फूड व्हॅनवर दोन बचत गटांना आम्ही असं नेमलेलं आहे, परंतु नंतर आम्हालाही समजणार आहे की जास्त महिलांनाच एका गाडीवर ठेवलं तर त्यांचं प्रॉफिट मार्जिन कमी होईल। जर आता प्रसाद सरांनी आता आम्हाला शब्द दिला आहे की जर नियोजन चांगलं असेल आणि खरोखरच बचत गटातील महिला त्या फूड व्हॅनवर काम करणार असेल, तर सर म्हणाले की 25 नाही तर मी म्हणेल किमान सरांनी 10 जरी गाड्या आमच्या विश्वासावर आम्हाला दिल्या तर नक्कीच आमच्या 5-5 महिला एका गाडीवरचं काम करतील, तर नक्कीच त्यांना चांगलं आर्थिक सहकार्य मिळेल। आणि नक्कीच मला वाटतं पुढचं स्वप्न कदाचित सर आमचं पूर्ण करतील असं वाटतं। ये तो बहुत ही जरूर आहे, आज महिलांनी अपने पैर पर खड़े रहकर अपना विकास करना और अपने महिलाओं को
अपनी बहनों को इस उद्योग के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना, उन्हें प्रेरित करना, ट्रेनिंग देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आज घे भरारी इस ग्रुप की ओर से ये जो बड़ा अभिनव काम यहाँ पर हुआ है और बहुत ही सुंदर बड़ी अच्छी गाड़ी यहाँ पर ये करके लाकर खरीद कर और उसके द्वारा वो जो महिलाओं को एक सशक्त बनाना चाहती है आर्थिक क्षेत्र में, ये बहुत ही ज़रूरी है। उससे बड़ी एक शक्ति उनमें बढ़ते रहेगी और उद्योग की दिशा में वो अग्रसर होगी। मैंने देखा विदेशों में, जैसे थाईलैंड में हो, सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, या इंग्लैंड में हो, अमेरिका में, जापान में, कई देशों में ये महिलाएं बहुत बहुत काम करती हैं। हमारे भारत में अभी महिलाएं आगे आने लगी, काम करने लगी, तो ये बड़ी प्रगति के लक्षण हैं कि जिनसे सही मायने में वो सशक्त होगी और उनका परिवार भी बड़ा आर्थिक ढंग से मजबूत बनेगा और इसका लाभ परिवार को, लड़के बच्चों को, सभी को होगा और विशेष रूप से देश को होगा कि कंधे को कंधा लगाकर जब महिला आगे आएगी तो देश निश्चित आगे हर दिशा में जा सकता है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत मंगल कामना देता हूँ। सबका मंगल हो, बड़ा विकास हो और आप और भी उन्नति करते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाए, यही हमारी मंगल कामना, यही शुभ। अगर मैं माविम की बात करूं, मैं माविम का प्रतिनिधित्व करती हूं सरकार की तरफ से, तो हम तीन लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे एक आपने कहा कि हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, फिर हम उनको मार्केट लिंकेजेस करवाते हैं और उसके पहले वो मार्केट में कैसे उत्पाद जा सके उसके लिए उसको हम बैकवर्ड लिंकेजेस कराते हैं। तो इस तरीके से जो तीन स्तरीय प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम महिलाओं को सबसे पहले आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक बार महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो गई तो उस पैसे का वो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकती है, चाहे वो शिक्षा की बात करें या बच्चों के लिए डिसीज़न लेने में उसकी भूमिका की बात करें या खुद के लिए उसके डिसीज़न क्या होने चाहिए उनमें जो भूमिका की बात करें, तो वहाँ हम असली तौर पर उसके सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। घे भरारी एक मॉडल है इस चीज़ के लिए और जो स्नेहा ताई भालेराव है जो इसकी अध्यक्ष हैं घे भरारी की, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक मेहनत की है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना जहाँ आज वो अपनी फूड वैन को शुरू कर पा रहे हैं उसके लिए मेरी बहुत शुभेच्छा भी है। और ये एक उदाहरण है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनके कोटे में है जिसको वो गिना सकती है आपको, तो वो एक्चुअली एक उदाहरण है जिन्होंने एक छोटे से उससे शुरू करके और खुद अब वो एक उद्योजक के रूप में है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उनको कई बार कई जगह ऐसे मॉडल के रूप में बुलाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल से कई बार उनको उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है कि उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो निश्चित तौर पर उनका उदाहरण देखकर हम बाकी लोगों को भी उस ओर आगे बढ़ने की ओर कोशिश कर रहे हैं।